आप तब श्रेष्ठ होंगे, तब महान होंगे, आपको लोग तब जानेंगे, तब पहचानेंगे जब आपके अंदर कोई काबिलियत होगी। और काबिलियत मीन्स संस्कार, आपके अंदर संस्कार, संस्कार जिसके अंदर है बोलने बताने के, वो अच्छे से बात। अच्छा, कई लोग बात कैसे करते हैं, गलत ढंग से बात करते हैं। उनकी बातें करने से पता चलता है कि उनके संस्कार कैसे हैं, क्यों सही है। कोई कितना अच्छा संस्कारी है, आप कितने अच्छे संस्कारी हैं या आप कितने बुरे संस्कारी हैं, ये कहां से पता चलता है। जोर से ये सब लोग बताएंगे, कहां से। आपकी 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 बातों से, आपकी बातों से, आपकी बातों से, आपके बोलने के ढंग से, आपकी शब्द शैली से पता चलता है कि आप कितने अच्छे घर से हैं और कितने दुष्ट प्रकृति के आदमी। अच्छे बुरे की पहचान यहीं से होती है। दुकान बंद है तो पता नहीं चलेगा काय की है, जब खुलती है तो ही पता लगता है हीरे की है कि कोयले की है। ये मुंह खुलता है तब ही पता चलता है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। देखने में तो आप बहुत अच्छे हैं, मुंह से पता चलता है। एक लड़का और एक लड़की दोनों ने व्हाट्सएप में प्यार कर लिया। सुनिए बिल्कुल सच्ची घटना है। एक लड़का लड़की को प्यार हो गया व्हाट्सएप में, दोनों की नजदीकियां हुई और दोनों ने एक दूसरे की पसंद से शादी का प्रस्ताव रखा, दोनों ने स्वीकार कर लिया। जब शादी हो गई, अच्छा, दोनों ने बात नहीं की डायरेक्ट, केवल व्हाट्सएप पे ही बात चलती रही। शादी हो गई, और जब शादी हुई तो पति ने पत्नी का घूंघट उठाया और कहा कि बताओ कहां चलोगी हमारे साथ घूमने। तो बोली तुल्लू मनाली। हम तुम्हारे थंग घूमने तुल्लू मनाली तलेंदे। उसको बाद में पता चला ये तोतली है। और कर ले व्हाट्सएप से, डायरेक्ट बात नहीं की उसने कभी। बाद में हो गए तुल्लू मनाली। तो इसलिए कहते हैं मुंह खुलता है तब पता चलता है कि आप कैसे हैं। केवल व्हाट्सएप की बातों में दम नहीं है, क्यों जी, सही है। नहीं, तुम्हारा भी तुल्लू मनाली हो जाए। इसलिए बातचीत करने से पता लगता है कि आप कितने संस्कारी हैं। इसलिए बातें अच्छी किया करो। मुंह खुलता है तो पता चलता है कि आदमी कितना दुष्ट है या कितना सज्जन है। समझ रही हो मेरी माँ। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए आप लोग अच्छा बोला करो, मधुर बोला करो, मीठा बोला करो, सबको प्रिय लगे ऐसा बोला करो, कुछ भी नहीं बोला करो। आपके संस्कार आपकी बातों से दिखते हैं, है ना मेरी मां। बहुत सारा पढ़ लिख लेना संस्कार, आजकल तो जितना पढ़ा लिखा आदमी है उतना ही संस्कारहीन है। तो आज की पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल मेरे हिसाब से संस्कारहीन शिक्षा दो कौड़ी की।
आज अभी आपने देखा होगा एक कोरोना काल में आपने एक वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी थी, बहुत पुरानी, आप लोग भूल गए होंगे, पर एक बात है सो बता रहा हूं प्रसंगवश। एक बहुत बड़े पद के एक ऑफिसर आईएएस पद के, उन्होंने कोरोना के दौरान सरकार ने परमिशन दी थी कि 10 लोगों के संग आप शादी, मतलब 10 लोगों के साथ, 10 मेहमानों के साथ आप शादी, मेहमानों को बुलाकर शादी विवाह कर सकते हैं। तो एक परिवार जो स्वयं पेशे से जज थे, जिन्होंने कानून पढ़ा था, उन्होंने 10 लोगों को बुलाया, 10-20 लोगों को जो भी था, और शादी कर रहे थे, पंडित जी शादी पढ़ रहे थे विवाह। तभी वो आईएएस के पद पर जो साहब थे, उन्होंने एंट्री की उस शादी में, अरे आप लोग तो बिना परमिशन, उन्होंने परमिशन का लेटर भी दिखाया, पर फिर भी उन्होंने, वो पंडित जी जो शादी पढ़ रहे थे वो उम्र में बड़े थे, फिर भी उस पद पर होते, आईएएस के पद पर होते हुए उसने एक थप्पड़ जमाया पंडित जी को। तो आप इतने बड़े पद पर हैं, गलती की तो जेल में डालो, थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया है आपको, वो भी पब्लिक प्लेस में? ये क्या है, आपकी शिक्षा तो श्रेष्ठ है, आईएएस कोई सामान्य आदमी नहीं बन सकता, आपकी शिक्षा तो ठीक है, संस्कार ठीक नहीं। यदि संस्कार होते तो अपने से बड़ों में यूं ही तुम हाथ ना उठा लेते। एक संस्कार यही तो कहता है कि यार ये हमसे बड़ा है, और परमिशन का लेटर भी था उसके पास, और उसमें पंडित जी की गलती क्या थी, उन्हें तो बुलाया कि भाई हमारे पास लेटर है 10 लोगों का, आप आओ शादी कराओ, मार दिया। बाद में फिर बात बढ़ी, वो अलग विषय था, लेकिन इससे ये दिखता है आदमी का कि वो कितना संस्कारहीन आदमी। आप कितने बड़े पद में पहुंच जाइए क्या फर्क पड़ता है, संस्कार से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, शिक्षा से नहीं साहब। शिक्षा, वो शिक्षा श्रेष्ठ है जो संस्कारवान शिक्षा। आज कितने पढ़े लिखे बच्चों के, पढ़े लिखे बच्चे, आज गौरी गोपाल आश्रम में एक मां रहती है मेरी, वो मां के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे पढ़े लिखे हैं। क्या पढ़े हैं, वो कॉलेजों में लेक्चरार रहे हैं, प्रोफेसर पद पर कॉलेजों में प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर से रिटायर बेटे, उनकी मां अब जो प्रोफेसर रहे हैं कॉलेज में, तो अनपढ़ तो नहीं होंगे ना, अनपढ़ तो नहीं होंगे साहब, जो प्रोफेसर है कॉलेज में लेक्चर दे रहा, लेक्चरार है, वो अनपढ़ तो नहीं होगा। यदि आप संस्कारी होते शिक्षा के साथ, तो आपकी माता गौरी गोपाल आश्रम में ना होती। आप शिक्षित तो हैं, संस्कारी नहीं है, पता चल रहा है कि आज की शिक्षा शिक्षित तो बनाती है, संस्कारी नहीं बनाती। संस्कारी बनाओ मेरी माँ अपने बच्चों को, संस्कार बच्चों को या माँ बाप से या कथाओं से प्राप्त होंगे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के भरोसे ना बैठे रहना, वहां कोई संस्कार नहीं दिया जाता, केवल सूखी शिक्षा है, केवल कोरी शिक्षा है। शिक्षा और संस्कार दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। शिक्षा आपको अभिमानी बनाती है, जबकि संस्कार आपको नम्र बनाते हैं। विद्या ददाति विनयम्। शिक्षा आपको अभिमानी बना देती है, जबकि संस्कार आपको झुकना सिखाते हैं, नम्र बनाते हैं, सरल बनाते हैं। इसलिए आज की शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक उस शिक्षा को संस्कार की चाशनी में डुबाया ना जाए, तब तक वो शिक्षा अधूरी है।
इसलिए आज बच्चे जितना मेरी माँ पढ़ने लिखने दिल्ली बंबई बैंगलोर इत्यादि जाते हैं, ये पढ़ने के नाम पर पढ़ते कम है, बर्बाद ज्यादा होते हैं। हजार बच्चे पढ़ने जाते हैं, हजार में दो चार बनते हैं, बाकी आप ये मान लीजिएगा कि 995 बच्चे बिगड़ जाते हैं। पांच बच्चे बन गए, 995 बिगड़ते हैं। बोलो हाँ या ना। संभावनाएं हैं बिगड़ने की। वो अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं, अरे हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, हम तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े समझदार हैं। उन्हें लगता है वो किसी लड़की से भी प्यार कर लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं, माँ बाप को बताना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि हम सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, आत्मनिर्भर हैं, माँ बाप की अब हमें क्या जरूरत है। पढ़े लिखे हैं, ऐसी शिक्षा दो कौड़ी की होती है जो आपको चरित्रहीन बना दे। हमारी सबसे बड़ी शिक्षा वही है, जो व्यक्ति चरित्रवान है वही शिक्षित है, और जो पढ़ लिख कर चरित्रहीन हो गया वो शिक्षा नहीं है, वो शिक्षा शिक्षा आप उसे शिक्षा मानते हैं। जो आदमी अपने चरित्र को ना बचा सका, जो चरित्रहीन है, वो काहे का पढ़ा लिखा। उससे अच्छी तो वो काम वाली बाई है जो झाड़ू पोछा लगा के बच्चों का पालन करती है, पर अपने चरित्र से समझौता नहीं करती। चरित्रवान है, चरित्र कीमती है साहब, शिक्षा से ज्यादा। अच्छा बताओ, शिक्षा कीमती है कि चरित्र, करैक्टर कीमती है या शिक्षा? यदि दोनों को एक तराजू में रखा जाए, किसका पलड़ा भारी होगा? जोर से बोल दो, और जोर से, बहुत जोर से। क्या, चरित्र या शिक्षा? चरित्र। इस धरती पर चरित्र से कीमती कोई ज्ञान नहीं है। हो तो मुझे पढ़ा देना आप लोग। सबसे बड़ा ज्ञान चरित्र ही है, सबसे बड़ी शिक्षा चरित्र ही है, और आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने के नाम पर चरित्र ही बिगाड़ते हैं। तो बताओ, इनसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ जो चरित्र बिगाड़ कर डिग्री लेकर आया है। डिग्री लेकर क्या करेंगे तेरी कागज की डिग्री का? चरित्र चरित्र तो बिगाड़ा ही या बिगाड़ाया? समझाओ पढ़े लिखे बच्चों को, पिक्चर देख के बिगड़ रहे हैं तुम्हारे बच्चे, और बता रहे हैं हम बड़े पढ़े लिखे हैं। वाह, आग लगे तेरी ऐसी पढ़ाई में? ये पढ़ाई पढ़ने गई थी तू वहां, या पढ़ने गए? अच्छा, चरित्र बिगाड़ के आ गया। समझाओ मेरी मां बेटियों को, अपने बेटों को, बिगड़ जाएगा चरित्र तो किसी काम का नहीं है कुछ। लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा, और यहाँ के लोगों के काम का नहीं है चरित्र। यहाँ के लोग, सच्ची बताएं, आप में से अभी जितने लोग आप बैठे हैं यहाँ, आप में से भी 10-20% लोग ही ऐसे होंगे जो चरित्र की कीमत को जानते हैं, वरना चरित्र की कीमत लोग सारी जिंदगी में समझ नहीं पाते चरित्र क्या है। चरित्र क्या होता है, कितनी कीमत है चरित्र की? अरे रावण का चरित्र बिगड़ गया तो सर्वनाश हो गया, और राम का चरित्र बना रहा तो आज सतयुग त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग में भी घर घर मंदिर बनाए जाते हैं, राम जी को घर घर पूजा जाता है, केवल चरित्र के कारण। ये चरित्र आज भी यदि राम जी की चर्चा होती है तो केवल उनके चरित्र के कारण, वरना चरित्र ना होता, सूपनखा आई थी राम जी के पास, राम जी सूपनखा पर मोहित हो गए होते, उसके संग रह गए होते अपनी पत्नी को छोड़ के, तो क्या राम कथा होती? चरित्र ही राम कथा है, चरित्र ही राम है, और राम ही चरित्र है, पूरक है दोनों एक दूसरे के। क्यों मेरी मां, क्या कहती हो आप? इसलिए